हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एमएसएमई की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सो यस फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को सैलरी 63,312 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर ग्रेटर नोएडा की तरफ से निकल कर आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्टेड ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स तक रहा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स तक रहा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। क्वालिफिकेशंस की बात करें सो फर्स्ट है ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 4 साल का बी बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग टूल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, टूल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन डिसिप्लिन में से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या तो डिज़ाइन में से मास्टर्स किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पर नहीं है। सो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीबीटेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से एमईएमटेक किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे इंजीनियर पोस्ट के लिए आप लोगों का पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से, यानी कि बेसिक पे 35,400 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 63,312 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोगों का पे स्केल लेवल 5 के हिसाब से, यानी कि बेसिक पे 29,200 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 53,144 पर मंथ मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इंजीनियर का जो पोस्ट है उसमें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है, और टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं रखा गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद उसके साथ आपका क्वालिफिकेशंस का जो भी सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, और उसके साथ आपका जो आधार कार्ड है उसका स्कैन कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोगों को अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बनानी पड़ेगी। और जिस पीडीएफ को आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें मेंशन है, आप लोग उसी ईमेल आईडी पे 15 नवंबर 2023 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो ईमेल के थ्रू पे सेंड करना होगा। और सेंड करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम और उसके साथ सीरियल नंबर और आपका डिसिप्लिन, ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस मेल को सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसको आप लोग को अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स डिस्कस किया उस डॉक्यूमेंट्स का
स्कैन कॉपीज अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बना के आप लोग को इनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें मेंशन है आप लोग उसी ईमेल आईडी पे 15th नवंबर 2023 से पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो ईमेल के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।